तो दोस्तों फिर से स्वागत है हमारा चैनल शेफ रूल बेकर पे। आज ऑर्डर आया है हनी चिल्ली पोटेटो का। अभी मैं हनी चिल्ली पोटेटो बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है? वीडियो पूरा देखना। चलो चलिए अभी मिलते हैं रेंज का तरफ। थोड़ा सा किशमिश डाल देंगे। सबसे पहले आपको जैसा आलू लेना है, थोड़ा बड़े बड़े देखिए आलू को कुछ इस तरह से काटना है, साइड का पूरा निकाल दिया। पील भी कर सकते हो आप लोग आलू। आलू ऐसे कर दिया आपको, आलू को स्क्वायर में काटना है, मतलब ये कर दिया एक, थोड़ा ऐसे करके ये कर दिया। ये अभी दूसरे आलू को भी काट दिया हम लोग ने, तो पूरा ऐसा कर दिया, ये स्क्वायर में काटना है पूरा ऐसा आलू, फ्रेश कर आलू काट दिया। पूरा इस तरह से आलू काटना है। चले उसके बाद में ये काटने के बाद में थोड़ा सा ब्रॉड डाल दिया और थोड़ा सा सॉल्ट मैरिनेशन करने के लिए, ये हो गया। थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। पहले उसका मैदा डालेंगे थोड़ा सा डॉस्टिंग के लिए, मैदा थोड़ा सा ड्राई फ्लोर थोड़ा अच्छे से डॉस्टिंग करेंगे। ये आलू डस्टिंग हो चुका है अपना। उसके बाद में आलू को थोड़ा गरम ऑयल में डाल देंगे, फ्राई कर देंगे। थोड़ा आपको क्रिस्पी फ्राई करना है इसको पोटेटो को, कि खाने के टाइम आपको क्रंची क्रंची मैसेज हुआ, क्रिस्पी सा फ्राई करना है। चलो इसको डीप फ्राई करते हैं अभी। ये देख सकते हो आप लोग की डीप फ्राई हो चुका है, कलर थोड़ा चेंज हो गया कलर, देखिए थोड़ा ब्राउनिश टाइप का आ रखा है, थोड़ा क्रिस्पी आ रखा है, क्रिस्पी करना है इसको। अभी आपको हम सॉस बना के दिखाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले सॉस के लिए आपको एक फ्राइकन लेना है अच्छा वाला, तो गैस ऑन करके थोड़ा हीट करना है फ्राइकन, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, थोड़ा ऑयल हीट करने के बाद में थोड़ा सा ये ड्राइड चिली डाल देते हैं, ड्राइड चिली पत्ते कर दिया। ये चॉप ओनियन पूरा ब्राउनिश हो चुका है, थोड़ा सा ब्राउनिश करना है साथ ही करके। उसके बाद में थोड़ा चिली पेस्ट डाल देंगे, चिली पेस्ट शुगर का मतलब थोड़ा सा ज्यादा रखना है शुगर, तो हमारे पास हनी है, हनी जो है हनी को डाल देंगे। अरे हमारा पोटेटो फ्राई होकर रेडी हो चुका है, इसको डाल देंगे इसके सॉस में, ऊपर से सॉस डाल देंगे। ये देख सकते हो रेडी हो चुका है हमारा हनी चिल्ली पोटेटो, इसके ऊपर से थोड़ा सा किशमिश डाल देंगे बस।